आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए मैच के दौरान मैदान पर गजब का ड्रामा देखने को मिला। 20वीं ओवर में दिल्ली कैपिटल को जीत के लिए 36 रनों की दरकरार थी, मतलब दिल्ली कैपिटल को लास्ट 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने थे। कैरेबियाई खिलाड़ी रोमैन पोवेल ने अपने हमवतन खिलाड़ी ओबेड द्वारा फेंके जा रहे 20वें ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर तो 3 छक्के जड़ दिए, लेकिन तीसरी गेंद पर जो हुआ उसने मैदान पर सभी का ध्यान खींचा। रोमैन पोवेल ने ओबेड मैककॉय की ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का जड़ा तब बवाल मच गया और ऋषभ पंत ने उस पर ऐसा रिएक्शन दिया कि अब उन पर सोशल मीडिया पर जमकर बातें हो रही है। आखिर ऋषभ पंत ने ऐसा क्या कर दिया कि देखकर या सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आखिर मैच को कुछ समय के लिए रोकना क्यों पड़ गया? आखिर ऋषभ पंत ने अपने खेल रहे खिलाड़ियों को बीच मैदान से ही वापस आने के लिए क्यों कह दिया? और इस बारे में खुद ऋषभ पंत ने क्या खुलासा किया है? ये गजब के ड्रामा क्यों देखने को मिला है? पूरी तरह से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और बताएंगे मैच के बाद पंत ने अपने इस व्यवहार पर क्या कहा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है दिल्ली के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मैच के बाद ऋषभ पंत ने बयान तो दिया ही है और वहां पर उन्होंने क्या कहा अपने इस व्यवहार को लेकर वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ है ये पूरा मामला और आखिर क्यों देखने को मिला गजब का ड्रामा। हम आपको बता दें कि मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया जहां राजस्थान रॉयल ने इस मैच को 15 रन से जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल ने जॉस बटलर और देवदत्त पड्डीकल की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए और जीत के लिए दिल्ली कैपिटल को 223 रन का विशाल लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में दिल्ली कैपिटल की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 207 रन ही बना पाती है। लेकिन कहीं न कहीं जो लास्ट ओवर में 36 रन की जरूरत थी और तीसरी गेंद पर लगा तार 3 छक्के जड़ दिए, लेकिन तीसरी गेंद पर बवाल मच गया। पहले ही झलक में देखने पर साफ पता चल रहा था कि गेंद बल्लेबाज के कमर के ऊपर है और ये बॉल नो बॉल है, लेकिन ऑन फील्ड एम्पायर ने इसे नो बॉल नहीं दिया, जिसके बाद एम्पायर के फैसले से नाखुश पंत हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट कर दिया। पंत का मानना था कि ऊंचाई के लिए नो बॉल होनी चाहिए थी। पंत काफी ज्यादा नाखुश थे, जिसके बाद गुस्से में आकर उन्होंने दिल्ली कैपिटल के दोनों बल्लेबाजों को बीच मैच में छोड़कर वापस आने के लिए कहा। जी हां, पंत ने सारी हदें पार कर दी और उसके बाद जो पंत ने किया वो भी तो गलत ही था, कहीं न कहीं खेल भावना के विपरीत था। बीच मैदान से अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाना और पंत को उस वक्त ना कहने वाला कोई नहीं। दिल्ली कैपिटल के कोच में से एक प्रवीण आमरे को भी उन्होंने मैदान पर भेजा। यह आईपीएल 2022 की पहली विवादास्पद घटना है, लेकिन बाद में दिल्ली कैपिटल के अन्य कोचों के दखल देने के बाद शेन वॉटसन के आने के बाद ऋषभ पंत ने गेम को आगे बढ़ने दिया, वरना ऋषभ पंत ने तो अपने खिलाड़ियों को वापस बुला लिया। ऋषभ पंत ने तो गलती करी ही, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात तो सही थी ना। ऋषभ पंत के व्यवहार के बारे में खुद ऋषभ पंत ने मैच के बाद एक बहुत ही बड़ा बयान। ऋषभ पंत एम्पायर के फैसले से काफी ज्यादा नाराज थे और मैच के बाद उन्होंने एम्पायर को जमकर कोसते हुए उनके फैसले पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से राजस्थान ने बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन अंत में रोमैन पोवेल ने कहीं ना कहीं मैच को हमारे पक्ष में ला दिया था। मुझे लगा था कि वो नो बॉल हमारे लिए कीमती हो सकती थी, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, निराश हूँ, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हर कोई निराश था क्योंकि ये करीबी मामला था। मुझे लगता है कि तीसरे एम्पायर को इस कहीं न कहीं मोमेंट पर हस्तक्षेप करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये बॉल नो बॉल है। जाहिर तौर पर ये सही नहीं था आमरे को मैदान पर भेजना, लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो भी तो सही नहीं था। यानी ऋषभ पंत मान रहे हैं कि जो हमने गलती करी, जिस तरह से व्यवहार किया वो गलत था, लेकिन हमारे साथ भी तो गलत हुआ था। ये उस समय जोश में हो गया, ऋषभ पंत ने कहा। ये दोनों पक्षों की गलती थी, यानी एम्पायर की भी गलती थी तो हमने भी गलती कर दी। ये निराशाजनक है क्योंकि हमने टूर्नामेंट में कुछ अच्छी एम्पायरिंग भी देखी है। हम और ज्यादा बढ़िया गेंदबाजी कर सकते थे, लेकिन ये खेल का हिस्सा है और मैं खिलाड़ी को कहूंगा ये भूल कर आगे बढ़े। ऋषभ पंत ने अपनी गलती तो मानी, लेकिन एम्पायर की गलती भी उन पर जमकर फटकार लगाई। इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।